बीजापुर अलग अलग थाना क्षेत्र से दो स्थायी वारंटी हुए गिरफ्तार। गिरफ्तार माओवादी मडवी माड़ा और बेंडजा लिखमू पर कई अपराध हैं पंजीबद्ध। गिरफ्तार नक्सली हत्या, आगजनी, लूटपाट, मारपीट जैसे अपराध के हैं आरोपी। जंगला और फरसेगढ़ थाना क्षेत्र से जिला बल के जवानों ने किया गिरफ्तार। CNI न्यूज बीजापुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। अंबिकापुर 15 लाख की उठाईगिरी का मामला, प्रार्थी ही निकला आरोपी, पुलिस से की थी झूठी शिकायत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। CNI न्यूज अंबिकापुर से विवेकानंद मिश्रा की रिपोर्ट। चांपा समीपस्थ ग्राम बहिराडीह में संचालित कृष्णा इंडस्ट्रीज के प्रदूषण से फैक्ट्री में कार्यरत दर्जन भर से अधिक मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं गंभीर बीमारी से पीड़ित करीब दर्जन भर मजदूरों का इलाज जारी है। फैक्ट्री के प्रदूषण ने आसपास के गांव के लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। चांपा तहसील के अंतर्गत ग्राम बहिराडीह में कृष्णा इंडस्ट्रीज संचालित है। यहां कोयला, रेत तथा केमिकल के साथ पत्थर की पिसाई केशर तथा अन्य मशीनों से करते हुए ईंट तैयार किया जाता है, जिसे लकड़ी की भट्टी में जलाकर पकाया जाता है। इससे निकलने वाले केमिकल तथा जहरयुक्त धूल की भारी मात्रा में हवा के साथ उड़ने से बहिराडी सहित आसपास के गांव के लोगों का जीना बेहाल हो गया है। CNI न्यूज चांपा से संजय ठारवानी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा कृष्णा इंडस्ट्रीज में महिला मजदूर की मौत पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुआवजा व जांच को लेकर SDM को दिया ज्ञापन। बड़ी संख्या में चांपा था नेका किया घेराव, कृष्णा इंडस्ट्रीज के संचालक पर की कार्यवाही की मांग। इंडस्ट्री जमे हो गई, अभी तक 3 मजदूरों की मौत। CNI न्यूज जांजगीर चांपा से संजय ठारवानी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर यूथ चरामेती फाउंडेशन से जुड़े श्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी ने विवाहोपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में एक नई पहल करते हुए आए हुए लगभग समस्त मेहमानों को पेड़ प्रदान कर चरामेती फाउंडेशन के महत्वपूर्ण उपक्रम वृक्ष सेवा विश्व सेवा अभियान का प्रारंभ किया। आए हुए मेहमानों ने इस पहल का न केवल स्वागत किया अपितु ऐसी कोशिशों को बल प्रदान करने का भी संकल्प लिया। CNI न्यूज रायपुर से अभिजीत चंडोलकर की रिपोर्ट। जगदलपुर पुलिस द्वारा इस वर्ष 2 बार पकड़े गए गांजे की खेप को नष्ट किया गया। जगदलपुर में इस वर्ष पुलिस द्वारा 2 बार पकड़े गए गांजे की खेप को नष्ट किया है। विदित हो कि इससे पर जून माह में 950 किलो गांजा को करकापाल के खुले मैदान में गड्ढा खोदकर जलाया गया था, जिसके बाद बुधवार की दोपहर पुनः 958 किलो गांजे को नष्ट किया गया है। पूरे प्रक्रिया की पुष्टि करते हुए अति रिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि बुधवार की दोपहर ग्राम करकापाल के खुले मैदान में 958 किलो गांजे पुलिस द्वारा नष्ट किया गया है, जिसमें दांतेवाड़ा और बीजापुर जिले में पकड़ा हुआ गांजा भी शामिल है। CNI न्यूज जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। बस्तर तोकापाल कार बाइक में जबरदस्त टक्कर। तोकापाल मुख्यालय से सटे ग्राम आरापुर के समीप स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG18 के 1995 व हीरो होंडा बाइक क्रमांक CG17 के 8572 की जबरदस्त टक्कर हुआ। जैसा कि नेशनल हाईवे की चौड़ी कारण होने से सुविधा व गाड़ियों का आवागमन अधिक होने से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है, पिछले दिनों मवली भाटा के समीप 2 ट्रक आपस में भिड़े, वैसा ही घटना तोकापाल मुख्यालय के समीप पंकज वेल्डन के पास बैलाडीला निवासी NMDS कर्मचारी विक्की मरकाम पिता रामराम मरकाम उम्र 50 अपने कार को जगदलपुर शोरूम से सर्विसिंग कराकर अपने घर बैलाडीला वापस जाते समय कोलीन निवासी पोस्टमास्टर मानसाय पिता सुनसाय उम्र 55, पत्नी चंद्रावती 51 व 2 बच्चे युवराज उम्र 6 साल, रागनी उम्र 3 साल, पिता कृष्णा ये सभी ग्राम रायकोट अपने पुत्री दामाद के घर आए थे, जो वापस कोलीन ग्राम जा रहे थे। आरापुर के समीप सामने से तेज रफ्तार मारुति स्विफ्ट डीजर बाइक को अपने चपेट में ले लिया। उसमें से बाइक सवार चारों को चोट लगी, उसमें से बाइक चालक मानसाय के दाया पैर पूरी तरह से डैम जो हो गया, बाकी लोगों को भी चोटें लगी है। घटना स्थल पर ग्रामीणों ने सभी को उठाकर हॉस्पिटल उसी कार से ले गए, फिर ग्रामीण पुलिस परपा को फोन किया। CNI न्यूज बस्तर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। बस्तर की युवा टीम गुजरात में दे रही है मोदी सरकार को टक्कर। विगत कई दिनों से गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे विधायक चित्रकोट दीपक बैज ने भागवतपुरा के ग्रामीणों से मिलकर चर्चा की, इसके साथ ही माडवी चौक के व्यापारियों और जनता की सभा को संबोधित किए। ज्ञात हो कि विधायक चित्रकोट दीपक बैज और उनकी युवा टीम पिछले 10 दिनों से गुजरात चुनाव में पार्टी और पार्टी के प्रत्याशी के जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विधायक चित्रकोट ने जीता सबका दिल,
गुजरात चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश में पार्टी के प्रचार के करने पहुंचे विधायक चित्रकोर दीपक बैज ने अपन कठिन परिश्रम और तेज तर्रार भाषण शैली से वहां स्थानीय जनता के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में अपनी अलग छवि बनाते हुए सबका दिल जीत लिए है। CNI न्यूज बस्तर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। बीजापुर पत्रकारों की हत्या की धमकी वाले पर्चे फेंके गए थे, लेकिन अब इसे लेकर नक्सलियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। बीजापुर पिछले 13 नवंबर को बीजापुर के आवापल्ली में पत्रकारों की हत्या की धमकी वाले पर्चे फेंके गए थे, लेकिन अब इसे लेकर नक्सलियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। माओवादियों की दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी ने साफ किया है कि पत्रकारों के लिए फेंके गए धमक भरे पर्चों से उनका या उनके संगठन या फिर किसी भी इकाई का कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि पत्रकारों को हत्या की धमकी देने वाले पर्चे फेंके गए थे। कहा गया था कि ये पर्चे नक्सलियों ने फेंके हैं, जिसके बाद इसके विरोध में राजधानी समेत कई जिलों में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था। पत्रकारों ने बीजापुर में 3 दिवसीय बाइक रैली भी निकाली गई थी। अब माओवादियों ने कहा है कि ये पर्चे और बैनर ना उन्होंने जारी किए हैं और ना ही उनकी पार्टी की ओर से पत्रकारों को डराने धमकाने की रणनीति या कोई नीति है। माओवादियों ने इसे सरकार, पुलिस और अग्नि जैसे संगठन द्वारा उनकी पार्टी को बदनाम करने और पत्रकारों की जनपक्षधर आवाजों को दबाने की साजिश करार देते हुए इस पर्चा कांड की निंदा की है। CNI न्यूज बीजापुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। कोंडागांव लता उसेंडी ने डस्टबिन मच्छरदानी का किया वितरण। घर का कचरा चौक चौराहा व गलियों में न फेंकने की हिदायत। कोंडागांव शहर के अम्बेडकर वार्ड में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत डस्टबिन मच्छरदानी का वितरण किया गया। नान अध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी द्वारा वार्ड वासियों को सूखा कचरा एवं गीला कचरा रखने के लिए डस्टबिन डिब्बा एवं मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी बांटी गई। सुश्री लता उसेंडी ने घर से निकलने वाला कचरा चौक चौराहा गलियों में न फेंकने की हिदायत देते हुए डस्टबिन का उपयोग करने को कहा, साथ वार्ड के लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर वार्ड पार्षद एवं भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सुराना, शहर भाजपा मंडल अध्यक्ष अश्विनी पांडे, भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री संतोष पात्रे, एल्डमैन इरशाद खान, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सलीम मेनन, पार्षद सुनील कोराम, भाजपा शहर मंडल मंत्री प्रदीप साहू, IT सेल जिला संयोजक प्रतोष त्रिपाठी, शहर सोशल मीडिया प्रभारी विकास दुआ दिलावर कपाड़िया एवं युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता व वार्ड वासी उपस्थित थे। CNI न्यूज कोंडागांव से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव हड़ेली कैंप में नक्सल हमला, जवान को लगी गोली। कोंडागांव जिला के मर्दापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हड़ेली में पुलिस कैंप स्थापित किया जा रहा है। इस कैंप में 6 दिसम्बर की सुबह 7:05 पर नक्सलियों ने गोलीबारी कर हमला कर दिया। हमला में प्रधान आरक्षक कोमल खलको 45 को पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल जवान को तत्काल मेडिकल सुविधा देते हुए जिला अस्पताल RNT लाया गया। इसके बाद यहां से हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद DIG रतन लाल डांगी, SP आशुतोष सिंह हड़ेली कैंप पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। देखिए, इसमें कमजोरी वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप उनके एरिया में घुस रहे और एरिया में क्योंकि उनके धीरे धीरे एरिया जो है पूरा जो है श्रिंक हो रहा है, तो उनके तो एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है। और अस्तित्व की लड़ाई होती है, जैसे बोलते हैं जब दीपक बुझता है उससे पहले एक वो थोड़ा एक ब्लोअन अप होता है, वही स्थिति अब इनकी जो है इस एरिया से माओवादियों की हो गई है। जो एरिया जहां हम जो है गोलाउंड से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आज आप लोग हम लोग यहां तक पहुंचे हैं पूरा इस एरिया में। और निश्चित रूप से इसका फायदा पब्लिक को मिलेगा। जो रोड हम जिस रोड से आए हैं बिल्कुल कच्चा है, और जैसे राणापाल कैंप बना तो राणापाल उस नदी पर पुल बना, उसका फायदा यहाँ के पूरे लोगों को मिल रहा है। अब कैंप आगे की स्टेज पे आया तो ये रोड बनेगा, आगे हमारा कड़ेनार जो बन गया है, फ्यूचर में हमारा प्लान है कि जो हड़ेली और कड़ेनार के जो बीच रोड है उस रोड को बनवाने का। तो जब इस एरिया में रोड बनेगी, विकास होगा, तो निश्चित रूप से जो है यहाँ के लोगों को फायदा मिलेगा। CNI न्यूज कोंडागांव से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव CRPF ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण सुरक्षा का संदेश। स्कूली छात्र छात्राओं सहित शिक्षक CRPF जवानों ने किया पौधारोपण। कोंडागांव में CRPF 188वीं बटालियन के माध्यम से 1 सेकंड 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। इसी कड़ी में 6 दिसंबर को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय चावरा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने
पनी सहभागिता दी। वहीं पौधारोपण से पूर्व उपस्थित स्कूली बच्चों, जन समूहों और सीआरपीएफ के अधिकारी व जवानों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। ये स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उसका एक पहलू है, तो 1 से 15 तक पखवाड़ा है, उसी के अंतर्गत हमने वृक्षारोपण किया है। सर, कितने पौधे इसमें लगाए जा रहे हैं और किन का सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, पहली बात है कि सहयोग हमारा प्रशासन का मिल रहा है और हमने स्कूल के बच्चे बुलाए हैं। बच्चे इसलिए बुलाए हैं कि बच्चे हमारा भविष्य हैं। अगर वो वृक्षारोपण स्वच्छता के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमारा देश, हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। लगभग कितने पौधे का रोपण किया जा रहा है? अभी लगभग हम लोग 500 पौधे लगा रहे हैं विभिन्न प्रकार के। हमारा उद्देश्य रहेगा जितना भी पौधे लगाए जाएं वो बचे रहें और उनको देखभाल करते रहें। आपका नाम बता दें। संस्कृति भारद्वाज। जैसे कि हमको हमारे स्कूल में भी बताया जाता है कि हमको बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सबसे पहले कारण तो ये है कि हमसे, हमको लाइफ लाइन मिलती है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो सिर्फ पेड़ों से ही मिलती है और आजकल का ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता जा रहा है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सीआरपीएफ कैंप को और यहाँ के लोगों को जिन्होंने हमें बुलाया है यहाँ पर और हमें बहुत ही अच्छे से वृक्षारोपण के बारे में बताया है और हमें प्रकार प्रकार के पौधे लगाने का अवसर दिया है। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू है यहाँ के लोगों का और हमें एक प्रकार की वो मिल रही, हमें एक प्रकार की जानकारी मिल रही है कि हमें पौधे लगाने चाहिए, ये आवश्यक है हमारी जिंदगी के लिए। और हम सब ने यहाँ पर एक प्रण लिया है आज कि हम सब अपने जीवन कार्य में बहुत सारे पौधे लगाएंगे और हमारे देश को और हमारे विश्व को हरा भरा बनाएंगे ताकि हमारी आने वाली आगे जो हमारी पीढ़ियाँ हों उनको भी हमारे बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही। CNI न्यूज कोंडा गाँव से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। बागबाहरा निःशुल्क दंत चिकित्सा, न खून बहाना आंसू निकाल दिए 65 मरीजों के दांत। बागबाहरा बुधवार को आयोजित निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर में अहमदाबाद के डॉ. सरोज ब. न. जोशी ने जालंधर पद्धति से 65 मरीजों का इलाज कर 20 दांत निकाले। डॉक्टर सरोज बिन जोशी के उपचार की पद्धति को देख मरीज हैरान रहे क्योंकि उपचार के दौरान न खून बहा और न आंसू निकले। मरीजों को दर्द और तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ। शिविर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चला जिसका नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों ने भी लाभ उठाया। शिविर में शांत विजय सेवा समिति के मिश्रीलाल बर्दिया, जैन श्री संत के भीखूचंद मोहनोत, नरेश चौड़िया, मनीष श्री श्रीमाल, अरिहंत जैन, विकास जैन, विक्की, प्रियेश बोरुंदिया, आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से गिरीश मोनाड़ी, नंद कुमार ध्रुवंशी, सुरेश महंती का योगदान रहा। CNI न्यूज बागबाहरा से रवि सिंह के साथ हरपाल सिंह सलूजा उर्फ सेंटी की रिपोर्ट। कस्टोर टुंडरा बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लिए गौरव का क्षण। पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा नवोदय स्कूल में पढ़ने के लिए आवेदन बलौदाबाजार भाटापारा जिले को प्राप्त हुआ। बलौदाबाजार नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों ने देश में सबसे ज्यादा आवेदन बलौदाबाजार नवोदय विद्यालय में दिए हैं। 80 सीट वाले इस नवोदय विद्यालय में 19,394 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूरे देश के बच्चे बलौदाबाजार के नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। ज्ञात हो के बालोद जिले में रहते हुए कलेक्टर श्री राजेश सिंह राणा ने शिक्षा को लेकर बहुत सी योजनाएं चलाई थी, चाहे वो प्रेरणा अभियान हो या नई दिशाएं जहां वो खुद जा कर बच्चों को पढ़ाते थे, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में बालोद जिला शिक्षा के क्षेत्र में नंबर एक बना था। अब बलौदाबाजार में कलेक्टर श्री राजेश सिंह राणा की पोस्टिंग होने के बाद से ही यहां भी उन्होंने प्रेरणा कैंप पर और नई दिशाएं क्लासेस चलाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मुहिम जगा दी, जिससे जिले के बच्चों के साथ साथ देश प्रदेश के बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और अब सारे बच्चे बलौदाबाजार जिले में पढ़ना चाह रहे हैं। शिक्षा को लेकर बलौदाबाजार कलेक्टर द्वारा तरह तरह की पहल की जा रही है, जिसको आज पूरे देश के बच्चे सराहनीय कदम बता रहे हैं। नवोदय विद्यालय का निरीक्षण कर बलौदाबाजार भाटापारा कलेक्टर श्री राजेश सिंह राणा ने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। CNI न्यूज कस्टोल से नंद कुमार बंजारे की रिपोर्ट। बसना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बसना तत्वधान में सिटी ग्राउंड बसना मैदान 6 दिसंबर शौर्य दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। संतोष कोलछा प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष, धनश्याम चौधरी प्रांत सह मंत्री, दयामनी सिदार जिला कार्यवाह, संपत अग्रवाल अध्यक्ष नगर पंचायत बसना, महेंद्र साव जिला संयोजक बजरंग दल, संतराम भारद्वाज जिला मंत्री, नित्यानंद चौधरी गौ सेवा प्रमुख ने श्री रामजी की छाया चित्र पर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम बजरंगियों ने अतिथियों का श्रीफल व पुष्पहार से स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने बजरंगियों संबोधित कर कहा, अधिक से अधिक हिंदुओं को संगठन में जोड़ने की बात कही।
इस दौरान बसना, पिथौरा, समकरा, सरायपाली, भगत देवरी से भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। CNI न्यूज बसना से मनहरण के साथ अनुराग नायक की रिपोर्ट। बसना सिंघोड़ा थाना पुलिस ने पकड़ी 25 पैकेट गांजा, 3 आरोपी गिरफ्तार। सिंघोड़ा हाईवे पर एक पुरानी कार में 3 व्यक्ति द्वारा 25 पैकेट गांजा परिवहन करते हुए पकड़े में सफलता हासिल की है। पुलिस के जानकारी अनुसार आरोपी श्यामलाल नायक उम्र 28, पिता घासीराम नायक जाति बंजारा साकिन कुसुमधरा थाना झारबंद जिला बरगढ़ ओडिशा, मनोज कुमार साहू उम्र 35, पिता मोतीराम साहू जाति तेलीसा किन सेमरिया थाना विधानसभा रायपुर छत्तीसगढ़, शैलेंद्र साहू उम्र 35, पिता प्रेमलाल साहू जाति तेली साकिन सेमरिया विधानसभा रायपुर को गांजा परिवहन करते वाहन क्रमांक MP09HD2970 को जबत कर नार्कोटिक्स एक्ट के तहत धारा 20 IPC कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक नेहा चंपावत के निर्देशन में थाना प्रभारी सिद्धेश्वर सह साई सोनवानी एवं अन्य जवानों की सहयोग से सफलता हासिल की है। CNI न्यूज बसना से मनहरण के साथ अनुराग नायक की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ में वार्षिक खेल दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया खेल दिवस, बच्चों में देखा गया उत्साह। डोंगरगढ़ दिनांक 6 दिसंबर 2017 को केंद्रीय विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया वार्षिक खेल दिवस। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डोंगरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष तरुण हथेल जी को आमंत्रित किया गया था, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य श्री जेपा प्रसाद एवं विद्यालय के शिक्षक श्री रोहित कुमार सिंह, श्री आर.के. यादव, श्री घनश्याम पांडे, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना गुप्ता की उपस्थिति में यह कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे संपन्न हुआ, जहां सभी तरह के खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बड़े बच्चों से लेकर छोटे बच्चों ने बड़े उत्साह पूर्वक खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें 100 मीटर की दौड़, जलेबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी रेस एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के समापन में खेल में विजेता छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तरुण हथेल के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। केंद्रीय विद्यालय में खेलकूद का कार्यक्रम दोपहर 3 बजे तक चलता रहा, जिसमें यहां के छात्र छात्राओं में खेल के प्रति यहां उत्साह देखने को मिला। विद्यालय के शिक्षकों एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तरुण हथेल ने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन किया। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा उर्फ बंटी की रिपोर्ट। डोंगरगढ़ हनुमान भक्त युवा समिति के सदस्यों ने किया कुछ अच्छा करने का प्रयास। डोंगरगढ़ मंगलू धोबी, जो कि भवरपुर जिला रायगढ़ निवासी है, पैर से लाचार है। एक दुर्घटना में का पैर कट जाने के कारण मंगलू धोबी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहा है। टूरिस्ट लॉज के पास बैठकर भिक्षा मांगता है। उस मार्ग से आते आते सभी देखते हैं। देखने में मंगलू धोबी का पैर इतना खतरनाक है कि कोई भी व्यक्ति उसके आसपास जाने नहीं देखता है। वह एक ही स्थान में पड़े पड़े राह चलने वाले लोगों को देखते रहता है, जिसके बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, गंदे कपड़े, शरीर पूरा धूल गंदगी से भरा हुआ, 15 साल से नहाया नहीं बाल दाढ़ी बनी थी, जिसको देखकर फर्स्ट स्टेप में कल सुबह हनुमान भक्त युवा समिति के सदस्यों के द्वारा सेविंग हेयर कट करवाया गया व नहलाया गया। जल्द ही सेकंड स्टेप उपचार कराया जाएगा। दुर्घटना में एक पैर कट जाने से दोनों पैर में पॉइजन फैल रहा है, जिसमें समिति के छोटे से प्रयास से कोई का भला हो जाए तो ये नेक एक कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। उसी लक्ष्य में आगे बढ़ते हुए समिति की टीम के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस नेक काम करने के लिए आम जनता ने समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा उर्फ बंटी की रिपोर्ट। खैरागढ़ जनपद CEO की किया घेराव। खैरागढ़ जिला सदस्य के नेतृत्व में जनपद CEO की किया घेराव। जनपद पंचायत खैरागढ़ के CEO के प्रताड़ना से परेशान होकर कलकसा पंचायत सच व संगीता साहू ने क्षेत्रीय जिला सदस्य श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा को अपने ऊपर हो रहे प्रताड़ना से अवगत कराते हुए पद से इस्तीफा देने की बात बताई। फिर श्रीमती वर्मा ने सचिव की परेशानी को देखते हुए उन्हें समझाते हुए CEO से बात कर समस्या की हल करने की बात कही। फिर श्रीमती वर्मा ने अपने पति पूर्व जनपद सदस्य नीलांबर वर्मा से CEO श्री ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर को फोन लगाकर पूरी जानकारी लेने कही, जिस पर श्री वर्मा ने 5 तारीख को CEO को फोन लगाया और सारी बात पूछने पर CEO ने आवेश में आकर सचिव राजनीति करा रही है, अब उनको सस्पेंड करने के लिए कलेक्टर को सिफारिश करूंगा कहते हुए फोन बंद कर दिए। पुनः काल का रहने पर फोन नहीं उठाया, जिस पर से जिला पंचायत सदस्य ने उक्त पंचायत के जनपद सदस्य कौशल्या वर्मा, सरपंच श्रीमती पुनिता साहू, उपसरपंच केशर बायपाल, पंच जित्तू ठाकुर को फोन से सचिव के कार्य के बारे में जानकारी ली, जिस पर उन सभी ने सचिव के कार्य से संतुष्टि जताई।
सीईओ के उक्त व्यवहार से सभी जनप्रतिनिधि नाराज हुए। सीएनआई न्यूज खैरागढ़ से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। खैरागढ़ मुतेरा में शौचालय निर्माण कार्य में जमकर फर्जीवाड़ा। खैरागढ़ समीपस्थ ग्राम पंचायत मुतेरा में शौचालय निर्माण में सरपंच सचिव की मिलीगत से लाखों रुपए का फर्जीवाड़ की शिकायत सामने आई है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत मुतेरा में लगभग हर कार्य में सरपंच पति की दखलंदाजी से पंचायत सचिव से साठ काट कर लाखों रुपए का बंदरबांट किया जा रहा है, जिससे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा पंचायत को लाखों रुपए चैदह विवृत के तहत प्राप्त होती है, जिससे गांव के स्वच्छता व पेयजल पर विशेष ध्यान दिया जाना है, परंतु पंचायत की राशि की बारीकी से जांच नहीं हो के कारण सरपंच सचिव आपसी तालमेल कर सरकार की योजना को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। अगर सूत्रों की माने तो मूलभूत की राशि से लेकर मनरेगा के कार्यों में जमकर फर्जीवाड़ा किया गया है तथा शासन को चूना लगाने में लगे हुए हैं। सीएनआई न्यूज खैरागढ़ से हितेश मानिकपुरी की रिपोर्ट। डोंगरीपाली शिक्षिका को हटाने के आश्वासन पर माने ग्रामीण। शिक्षा कर्मियों द्वारा बच्चों के परीक्षा के समय बार बार हड़ताल पर चले जाने से नाराज ग्रामीण पालकों में शिक्षक कर्मियों के खिलाफ जन आंदोलन पनपने लगा था, जिसके कारण 6 दिसंबर को स्कूल पहुंचते ही ग्रामीण पालक एकत्र होकर स्कूल में ताला लगाकर शिक्षकों के स्कूल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ग्रामीणों का मानना है कि शिक्षकों का वेतन हर विभाग से अच्छा खासा है, उसके उपरांत भी उनके द्वारा आए दिन हड़ताल कर बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं करते हैं तथा अपने बच्चों को निजी स्कूल में भर्ती कर उनका भविष्य सुरक्षित कर लिए हैं। हड़ताल का असर उनके बच्चों पर नहीं पड़ता है, इसलिए आक्रोशित थे। डोंगरीपाली मामा भचाक में 5 दिसंबर से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे नाराज शिक्षिका आश्लेषा कुर्रे के पति छोटूलाल कुर्रे ने ग्रामीणों को गाली गलौज कर दिया था। छोटूलाल कुर्रे स्वयं ग्रामहिच के स्कूल में शिक्षक है। शिक्षिका पति के इस तरह के व्यवहार से ग्रामीण और उग्र हो गए थे और उक्त शिक्षिका को हटाने और ही स्कूल का ताला खोलने की मांग पर अड़े थे। सीएनआई न्यूज डोंगरीपाली से हरपाल सिंह सलूजा उर्फ सेंटी की रिपोर्ट। क्या आप बीमारियों से ग्रसित हैं? क्या आप नशे की आदत से परेशान हैं? क्या एक मंत्र के जाप और फोटो के ध्यान से हो सकता है योग ऑटोमेटिक? क्या आप ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं? इन सब प्रश्नों का हल है गुरु सियाग सिद्ध योग। निर्गुण निराकार और सगुण साकार के स्वरूप गुरु रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की शक्ति को अपनाकर देश विदेश के लाखों लोगों ने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखे हैं। गुरु रामलाल जी सियाग एक प्रवृत्ति मार्गी संत हैं। इनके गुरु बाबा गंगाई नाथ जी एक आई पंथी नाथ योगी थे। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष या धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। सिद्ध योग को निरंतर करने से आपके शरीर में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ये जागृत शक्ति अपने नियंत्रण में मनुष्य की आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिससे सभी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक परेशानियों का समाधान होता है। अब वो जब मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिक योग होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ध्यान करने की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करके गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर स्मरण करते हुए दिव्य मंत्र क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग का मन ही मन 15 मिनट तक जाप करना है। सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन गुरु सियाग सिद्ध योग। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है सीएनआई न्यूज़।